नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। इंदौर जिले के लसूड़ी थाना क्षेत्र में एक प्लॉट के नाम पर धोखाधड़ी की वारदात सामने आई है, जहां कंपनी द्वारा प्लॉट के नाम पर धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया गया और फरियादी से लाखों रुपए ले लिए। पूरे मामले में पुलिस ने कंपनी और कंपनी के कर्ताधर्ताओं के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया है। आपको बता दें, पूरे मामले में डीपी अभिषेक आनंद जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि लसोड़ी क्षेत्र में कंपनी डिसिट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संचालकों द्वारा वैशाली गुप्ता नामक महिला से एक प्लॉट का सौदा किया था। महिला ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2022 में संजय सिसोदिया के मार्फत उनकी मुलाकात कंपनी के संचालक रोहित सांघी से हुई थी, जिनके बीच एक प्लॉट को लेकर इकरारनामा हुआ था, जिसके एवज में महिला वैशाली गुप्ता ने कुछ राशि भी कंपनी के संचालक को दी थी। लेकिन कुछ समय के बाद आरोपी के द्वारा महिला को उक्त प्लॉट नहीं दिया गया और उक्त प्लॉट के रुपए भी जमा कर लिए गए। इसके बाद काफी दबाव बनाने के बाद आरोपियों के द्वारा प्लॉट महिला को देने का वादा भी किया गया, लेकिन नहीं दिया। वहीं कंपनी द्वारा जी प्लॉट का सौदा किया गया और वह अन्य किसी को बेच दिया। इस बात की जानकारी महिला को लगी तो उसने पुलिस की शरण दी और कंपनी के संचालक के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कराया। लसुड़िया थाना क्षेत्र अंतर्गत जो एक फरियादी है, जिन्होंने शिकायत की थी कि उनके साथ जो है प्लॉट का एग्रीमेंट किया गया था, उन्होंने कुछ बयाना पैसे भी दिए थे। उसके बाद फिर वो उनको जो है प्लॉट का कब्जा उनको ना दे करके प्लॉट किसी अन्य को बेच दिया गया था, और ये जो है डिस्टिंक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसके द्वारा की गई थी। इसी के तहत जो है फरियादी के आवेदन पर से इसमें जो डिस्टिंक्ट जो कंपनी है, डिस्टिंक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और उसके जो कर्ताधर्ता उस समय थे उनके खिलाफ जो है FIR पंजीबद्ध किया गया। इसमें 420-406 की धारा लगाई गई। इसमें इसके संबंध में अभी जो पूरा जो इन्वेस्टिगेशन आगे किया जाएगा, इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके बेसिस पे कार्रवाई की जाएगी। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट